सोमवार को जमशेदपुर में तीसरा कोरोना पॉजिटिव मिला। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल मरीजों की संख्या 3 हो गई है। नया मरीज बारीडीह क्षेत्र का निवासी है, जो कोलकाता में मजदूरी का काम करता था और 11 मई को वापस जमशेदपुर पहुंचा था। मरीज अपने घर नहीं गया था, बल्कि सीधे एमजीएम अस्पताल पहुंचा था, जहां वो आइसोलेशन वार्ड में ही भर्ती था। ये युवक, आपको बताएं, अस्पताल में रहते ही कुछ लोगों से मिला था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जिला प्रशासन ने मरीज के पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद से ही बारीडीह इलाके के घर से 7 लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से एमजीएम अस्पताल भेजा, जहां उनकी जांच की जाएगी और क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि पुलिस उस हिस्से को सील कर चुकी है जहां मरीज से मिलने लोग पहुंचे थे। के बाद से उसको पॉजिटिव पाया गया, तो उसका ससुर जो है, ससुर और एक भतीजा, मेरे क्या उसको खाना वाना देता था, उसे टच छुआ है, उसके बाद सभी को क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। तो लगातार अब सूबे में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, लगातार एक खतरा अब सूबे के लिए बनता जा रहा है। और खतरा इसलिए भी क्योंकि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा मामले अब जो है वहीं से निकलकर सामने आ रहे हैं। बहरहाल सीधे चलते हैं जमशेदपुर। अन्नी अमृता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अन्नी, देखिए जमशेदपुर की बात करें, अब तक तो वहां पर हम यही कहते आ रहे थे कि जमशेदपुर में अब तक कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन अब वहां के लिए भी खतरे की घंटी बढ़ चुकी है, क्योंकि पहला मरीज वहां से भी मिल चुका है। अब क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है जमशेदपुर की, बताएं। बिल्कुल पुनीता, देखिए जब कुछ दिन पहले चाकुलिया से 2 मामले आए, जिसमें जो कैलकटा की हिस्ट्री थी, दोनों स्टूडेंट्स कैलकटा से घर लौटे थे अपने चाकुलिया और वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उनके परिजनों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया था टीएमएच में। अब जो कल ये मामला सामने आया, जो बारीडीह में ससुराल है युवक की पुनीता, और वो कोलकाता से आया था, लेकिन उस परिवार की जागरूकता देखिए, खुद जो है उनके ससुराल के लोगों ने प्रशासन को सूचित किया था। उसके बाद वो जो युवक है वो घर नहीं गया, वो उसको सीधे एमजीएम अस्पताल में एडमिट कर लिया गया था और वो वहाँ पे क्वारंटीन था। और इसी बीच जो है जांच रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ गई, तो एक गनीमत ये रही कि ये खुद जागरूक थे, इनका परिवार जागरूक था, तो कम से कम ट्रैवल में ये बारीडीह नहीं गए और ये कलकत्ता से आने के साथ ही सीधे एमजीएम में गए। लेकिन इनसे मिलने के लिए कुछ लोग आए थे, उन सबको जो है टीएमएच में क्वारंटीन कर दिया गया है। उनसे जुड़े जो अन्य रिश्तेदार या परिजन या परिचित हैं, उनको अपने अपने घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया। तो लगभग 11-12 लोगों को, उनसे जुड़े लोगों को क्वारंटीन किया गया और लगातार इस बात की जांच भी की जा रही है कि और कौन कौन से लोग संपर्क में आए थे। तो जिला प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है, लेकिन पुनीता व्यवहारिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति की जांच करना मुश्किल है, क्योंकि लगातार लोग बाहर से आ रहे हैं और लगातार मेडिकल टीम को सूचना भी दी जा रही है। तो जिस तरह से आबादी है, उस तरह से हमारे पास उतना इंफ्रा भी नहीं है, ना ही उतने लोग हैं। तो धीरे धीरे इस बात को लेकर के आगे रणनीति जरूर बनाई जाएगी। कल आधिकारिक तौर पर जो बात हो रही थी प्रशासन के अधिकारियों से, तो ये बात एक आ रही थी कि धीरे धीरे आते आते ये बताया जाएगा लोगों को कि जिनकी तबीयत ठीक ना लगे वो संपर्क करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जांच करना संभव नहीं है। पुनीता, और जो दोनों स्टूडेंट्स भर्ती हैं टीएमएस में या फिर कल का भी युवक, इन लोगों के कोई सिम्टम्स नहीं है पुनीता की, जिसे देखकर ये लगे कि हाँ कुछ बीमार है, तो ये एक और खतरनाक बात है कि सिम्टम नहीं है तो जाने कितने लोगों को होगा। प्रत्येक व्यक्ति की जांच नहीं हो सकती, तो ऐसे में प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए लोगों को जागरूकता के साथ बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अब तो ये जिस तरीके से, अगर हम जो जमशेदपुर का पहला केस आया, आपने जिस तरीके से बताया कि जो फैमिली है वो जागरूक होकर उन्होंने खुद जो है प्रशासन को इसकी जानकारी दी, ऐसे ही जागरूक होने की तमाम जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको जागरूक होने की जरूरत है। ताकि देखिए, जिस तरीके से आपने भी कहा कि इतने जिस तरीके से लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इतने ज्यादा संख्या में जांच होना संभव नहीं है और इसलिए लोगों को जागरूक होना होगा, खुद सूचना देनी होगी, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जो है जिस तरीके से सूबे में बढ़ रहा है वो हम रोक सकते हैं।
बिल्कुल पुनीता, अगर ये अपने घर चले जाते जहाँ इनको जाना था या जो भी ससुराल है इनकी, उसके बाद न जाने कितने लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा रहता। लेकिन एक बहुत अच्छा कार्य इनके परिवार के लोगों ने किया कि इनको यहीं रोक दिया या यहीं से हॉस्पिटल चले गए। तो अब जो उससे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको क्वारंटीन किया गया, डॉक्टर्स नर्सेज को क्वारंटीन करने की सूचना है पुनीता, जो वहाँ पर उस वार्ड के आसपास थे। तो ये तो एहतियातन रोटेशन पर डॉक्टर से नर्स का होता ही है, लेकिन अब एक आबादी भी अगर चपेट में आ जाती तो फिर उसके बाद शहर में फैलना, उसको रोकना मुश्किल होता है पुनीता। तो ये बहुत अच्छा कदम उस परिवार ने उठाया और सभी लोगों को ये अपील की जा रही है कि ऐसे ही सब लोग जागरूक रहे तो बहुत हद तक हम संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं पुनीता। बिल्कुल अनी, देखिए जिस तरीके से लोग प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उन्हें कहा भी जा रहा है कि आप खुद को होम क्वारंटाइन करें, घरों से बाहर ना निकले 14 दिनों के लिए, लेकिन फिर भी हम कई जगहों से जो तस्वीर देख रहे हैं लोग इस चीज को नहीं मानते हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं और खतरा जो है हर किसी के लिए ये बन जाता है। क्योंकि देखिए जो लक्षण नहीं पाए जाते हैं ना, सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पर आ जाती है, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति हो उसके अंदर कोरोना हो लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वो कोरोना संक्रमित है। और इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग घरों में रुके, अगर आप बाहर से आए होम क्वारंटाइन के लिए कहा गया है तो खुद को होम क्वारंटाइन करें। और इसलिए देखिए लोग नहीं सुन रहे हैं तो अब जो है अब संक्रमण को रोकने के लिए एक जिम्मेदारी तय की गई है। और आपको बताएं कि मुख्य सचिव जो है उन्होंने डीसी और एसपी को पत्र भी लिखा है ताकि संक्रमण का दायरा जो है उसको हम रोक सकें। और जो ग्रामीण इलाके में है वहां पर जिम्मेदारी दी गई है और होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया है, उसको लोग किस तरीके से फॉलो करें। तो लगातार देखिए अगर हम प्रशासन की बात करें तो वो अपने स्तर पर हर एक काम कर रही है, लेकिन जरूरी ये होगा कि जो लोग बाहर से आए हैं वो सहयोग करें तो हम जल्द से जल्द संक्रमण को रोक सकते हैं। अब बिल्कुल पुनीता, देखिए जागरूकता की बदौलत ही हम बहुत हद तक जो है संक्रमण को रोक सकते हैं। पुनीता, आपको हम दिखाना चाहेंगे जो टैक्सी ड्राइवर संघ है उनके लोग डीसी से मिलने जा रहे हैं, उनकी परेशानी थोड़ा 2 मिनट हमें समय दे तो हम जरा साझा करना चाहेंगे। अशोक सिंह जी है, टैक्सी ड्राइवर संघ के अध्यक्ष है। अशोक जी, थोड़ा सा दूरी में बात करते हैं हम लोग, थोड़ा पीछे हो जाइए। क्या मुद्दे हैं आपके, जो लॉकडाउन में जो परेशानियां हैं आपकी उनको शेयर कीजिए, और क्या पत्र लेकर आप जा रहे हैं? ये हम पत्र लेकर डीसी के यहाँ भी दिए हैं, डीसी जी को भी दिए थे और सरजू राय को भी दिए हैं लेटर। क्या दिक्कत आ रही है, कैब वगैरह बुक नहीं है? बुकिंग नहीं आ रही है, हम लोग 2 महीने से बैठे हैं मैडम, और कुछ हम लोग का राशन पानी भी नहीं मिल रहा है कहीं से, ये व्हाइट राशन कार्ड में कुछ दे नहीं रहा सरकार। इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें खाली किरासन तेल मिल रहा। हाँ, तो हम लोग इसलिए 10-20 आदमी आए हैं कि उनको दिए हुए हैं मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री तक हम लोग भेजे हैं लेटर। देखिए पुनीता, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनकी मुश्किलें जो है कम नहीं हो रही हैं, कहने के लिए कह दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति तक राशन पहुंचेगा, लेकिन देखिए अभी भी अब यहाँ पे देखिए इतने सारे लोग, थोड़ा दूर दूर भैया आप लोग खड़े हो जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, ये सारे लोग डीसी से मिलने जा रहे हैं कि आखिर क्या करें। 2 महीने से इनके पास राशन नहीं है, कैब की बुकिंग नहीं होती, अभी भी जो सेवाएं हैं उसमें छूट नहीं हासिल है। जमशेदपुर में अब और कड़ाई करने की बात आ रही है सामने, तो ऐसे में थोड़ा सा सरकार को दूसरे राज्यों की तर्ज पर कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। आपकी मांग क्या है अशोक जी? कुछ कह रहे थे कि दूसरे राज्यों में पैसे दिए जा रहे हैं अकाउंट में। दूसरे राज्य में हर राज्य में 5-5 हज़ार रुपया ड्राइवरों को मिला है और हम लोग को कुछ नहीं मिला, यहाँ कोई सहयोग नहीं मिल रही है मैडम सरकार से। देखिए दूसरे राज्यों में ये बता रहे हैं कि 5,000 अकाउंट में दिए गए, हम लोगों ने भी सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से देखा है, तो ये यही अपील करना चाह रहे हैं न्यूज 11 के माध्यम से कि इनकी भी सरकार जो है सुधी ले। आखिर जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन में, कैसे जीवन चलेगा उनका? जी बिल्कुल, तो इस ओर भी ध्यान देना होगा अन्नी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से देखिए अन्नी ने हमें जानकारी दी है कि लोग इस वक्त जो है काफी परेशान है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करें, इस ओर भी जो है सरकार को ध्यान देना बेहद जरूरी होगा। हालांकि कहा तो जाता है कि जिनके पास राशन नहीं है उन्हें भी खाना भोजन मुहैया कराया जाएगा, उन्हें भी राशन दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है।